नमस्कार, जय स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त को स्वागत। कवि परिचय रा प्रथम अध्याय रे आज आम आलोचना करवा भक्त कवि मधुसूदन राव विषय रे। जिते बेले प्राची गगन बुकुची संध्या राणी आगमन घटे सेते बेले सायंकालीन गोधूली धूमांत दिग्बलय को उद्भासित कर प्रत्येक गृह कोण से उजली उठे आलोकर दीपाली एवं कोटिकंठ रे निनादित हुए। सत्यपथे धर्मपथे घेनी जाओ मते भसाओ पराण मोर तब प्रेम स्तुते। आधुनिक ओडिया साहित्यर उन्मेष पर्वर साहित्यकाश को रंगायित करिथिबा एक उज्ज्वल ज्योतिष्क हेउछंती भक्त कवि मधुसूदन राव। ये महान प्रतिभांकर जन्म हुए श्री बसंत पंचमी तिथि 1853 मसीहा जनवरी 29 तारीख रे। बसंतर पहली अधिवेशन जरती धरणी बुकुरी तोली थे नव नव स्पंदन शंख धूप दीप पुष्पचंदन और नैवेद्यर गंधरे पवित्र हो उठु थे पल्ली पाठशाला। बागदेवी पूजा अर्चन नव किशलय तले बसंत ऋतुर उल्लसित मधुर मूर्छना सृष्टि करुथे फुल्लकर बन्या। से पुण्य मुहूर्त मधुसूदन मधुर कुआ कुआ राव धरी स्पर्श कले माटीर ए दुनिया। हसी उठिला जन्मभूमि उत्कल धूलिमाटी थिरी थिरी बसंतर मंद मंद समीर ताले बाजी उठिला धर्मर काहाड़ी माटीर बंध जीवनर स्वाद शिवत्व और अमृतपर सन्धान। श्री भागीरथी राव ओरसरु एवं श्रीमती अंबिका बाई गर्भरु पवित्र पुरीधामर पथुरिया साहिरी एक मरहटा वंशरे जन्मग्रहण करिथिले भक्त कवि मधुसूदन राव। मधुसूदन साहित्य थिला एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण साहित्य जहाँ आवेदन थिला आवेग दीप्त लक्ष्य थिला स्वतंत्र एवं स्वाद थिला सुदूर प्रसारी। कविवर राधानाथ राय व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति एवं भक्त कवि मधुसूदन राव त्रिवेणी संगम आधुनिक ओडिया साहित्य रचिता तार जयजात्रा। सत्यर उद्घाटन फकीर मोहन शिवर आराधन मधुसूदन एवं सुंदर न्याजना रे राधानाथ निज निज को नियोजित करी यही साहित्य को करिथिले सत्य शिव सुंदर। आलोच्य कवि मधुसूदन राव तांकर बहुविध प्रतिभा द्वारा केवल ओडिया साहित्य नुहे ओडिया भाषार मध्य भयो विकास घटेछंती। तांकर वर्णबद्ध ए जाति को जेपरी करिछि शिक्षित तांकर बसंत गाथा छंदमाला कुसुमांजलि कविता बलि प्रकृति पुस्तक सहीपरी करिछि दिव्य भावनारे उद्बुद्ध। तेबे आधुनिक ओडिया साहित्यरे जने प्रमुख गीतिकवि भावरे तांकर आविर्भाव ओडिया साहित्यर इतिहासरे सृष्टि करिछि एक अविस्मरणीय अध्याय। भक्त कवि मधुसूदन राव थिले ओडिया साहित्यरे नवरुचि और नवज्ञानर आद्य प्रवर्तक। तांको विचार रे समग्र मानव समाज एक विस्तृत परिवार रो सदृश प्रत्येक नारी जननी भगिनी और ब्रह्मकन्या। ख्रिस्टियन पादरी ख्रीष्ट धर्म प्रचार ओडिशा रे आधुनिक शिक्षार विस्तार और स्कूल कॉलेज प्रतिष्ठा छापाखाना प्रतिष्ठा और पत्र पत्रिका प्रकाशन नवंक दुर्भिक्षर प्रभाव भाषा आंदोलन आदि बहुविध कारण ऊनविंश शताब्दी शेष पादरे आधुनिक ओडिया साहित्यर अभ्युदय घटी नूतनतार और नूतन चेतनार स्पर्श दे ओडिया साहित्य को वैचित्र विमंडित कर। तेणु समकालीन कवि मधुसूदन साहित्य नवरुचि और नवचेतनार रूप प्रस्फुटित सी एक मार्जित रुचि ममत्व कलात्मक तथा आध्यात्मिक जातिवर्ण से वर्णित करने को जीवन में चरम लक्ष्य तथा चरम उद्देश्य बोली मान नहीं। मधुसूदन सृष्टि संभार विषय आम जाना मधुसूदन समकालीन कवि मान भाव्य रचना करना से ही समय रे मुख्यतः थिले छोट छोट गीति कवितार कवि जड़े प्रवीण शिक्षक और शिक्षाविद मध्यरे भावरे से ओडिया साहित्य रे पाठ्यपुस्तक अभाव दूर करिबा पई केतेक पाठ्यपुस्तक रचना करथिले। मधुसूदन केतेक गल्प और प्रबंध रचना करी ओडिया गद्य साहित्य रे मार्जित लेखन रीति प्रचलित करने सहित
କେତେକ ଅନୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ ସେ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୋଟାମୋଟି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ରଚନାବଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କବିତା, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଭାବଗର୍ଭିତ କବିତା, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ନୀତି ବିଷୟକ କବିତା ଏବଂ ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ। କବିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କବିତାବଳୀ, ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା, ଛନ୍ଦମାଳା, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ସାହିତ୍ୟକୁସୁମ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବାଳବୋଧ, ଶିଶୁବୋଧ, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ, ସଙ୍ଗୀତମାଳା, ଉତ୍କଳ ଗାଥା, ବସନ୍ତ ଗାଥା, ବାଲରାମାୟଣ, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ଆଦି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା, ସଂସ୍କୃତ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁଦିତ କେତୋଟି କୃତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ସୀତା ବନବାସ, ରାମ ବନବାସ, ବାଲ ରାମାୟଣ, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପ୍ରଭୃତିକୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନୁବାଦ କରି ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ କବିତା ଦ୍ୱୟ ଇଂରାଜୀ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର। ଅନୁଦିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ରଚନା ଭାବରେ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବିଙ୍କର ସିଦ୍ଧହସ୍ତତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର କୃତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ମୁଁ ହିଁ କହିବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।